डायरेक्टर प्रशांत नील की जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म बनाने की खबरों ने काफी ज्यादा फैंस को एक्साइटेड कर दिया। यानी आने वाली मूवी पहले एनटीआर 31 के नाम से जानी जा रही थी, लेकिन रिपोर्टेडली अभी बताया जाता है कि इसका नाम चेंज करके ड्रैगन रख दिया गया। यानी कि करण जौहर ने ड्रैगन नाम को पहले ही रजिस्टर करा रखा था, लेकिन थोड़ी सी बातचीत के बाद उन्होंने ये नाम प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर को दे दिया। यानी कि अब एनटीआर 31 का नाम ड्रैगन रख दिया गया। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रशांत नील की अगर हम पिछली मूवीज पे बात करते हैं, यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 और सलार, दोनों ही बहुत बड़ी हिट थी और बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कलेक्शन भी हासिल की थी उन्होंने और पूरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस भी हुई थी। केजीएफ चैप्टर 2 में हमें यश, संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले थे और काफी मजेदार स्टोरी थी। अब केजीएफ 3 भी काफी जल्द आने वाली। और अगर हम सलार की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रभास और श्रुति हसन जैसे बड़े स्टार हमें देखने को मिले थे। ये भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा हिट रही थी। तो अब जितने भी प्रशांत नील के फैंस है या जूनियर एनटीआर के फैंस है, वो काफी ज्यादा बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि एनटीआर 31 का इंतजार कर रहे हैं, जिसका नाम अब ड्रैगन है। लेकिन पिंक विलन ने ये रिपोर्ट किया था कि पहले प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की ये जो मूवी थी उसका टेम्परेरी नाम ड्रैगन रखा गया था, लेकिन करण जौहर ने ये नाम पहले से रजिस्टर्ड करा रखा था लेकिन हिंदी में करा रखा था, लेकिन प्रशांत नील ने ये नाम तेलुगु, तमिल, कनाडा और मलयालम में रजिस्टर कराया है। और करण जौहर ने काफी आसानी से ये नाम छोड़ भी दिया। करण जौहर काफी ज्यादा कोलैबोरेशन करते रहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो प्रोजेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक रिलीजेस के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ट्रिपल आर के रिलीज के बाद जूनियर एनटीआर के साथ करण जौहर ने एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया था जिसमें ब्रह्मास्त्र 2 शामिल थी। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो करण जौहर देवर पर काम कर रहे हैं जिसमें जूनियर एनटीआर शामिल है, यानी कि वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं कुरताला सिवा। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था ड्रैगन का, यानी कि ये जो नाम किस तरह से आया, ये नाम 2014 में पहले ब्रह्मास्त्र का रखा गया था, लेकिन अब फाइनली करण ने ये नाम छोड़ दिया। अगर हम एनटीआर 31 की बात करते हैं, यानी कि ड्रैगन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर ने अपना शूटिंग स्केड्यूल प्लान कर दिया, लेकिन फिलहाल प्रशांत नील सलार 2 के बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं, यानी कि उस पे भी काम साथ साथ कर रहे हैं। हाल ही के अंदर पृथ्वीराज ने सलार 2 के बारे में एक क्रॉसओवर में हिंट दिया, तो हम उस हिंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि सलार 2 पे काम जारी। लेकिन फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये क्रॉसओवर केजीएफ चैप्टर 3 और एनटीआर 31 के बारे में हो सकता है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, चाहे केजीएफ चैप्टर 3 हो या सलार 2 या फिर ड्रैगन यानी कि एनटीआर 31, फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं प्रशांत नील की ये मूवीज देखने के लिए, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन और जिस तरह से वो डायरेक्ट करते हैं मूवीज को, जिस तरह से एक्शन दिखाते हैं, वो काफी ज्यादा मजेदार होता है। विजुअल्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होते हैं, काफी ज्यादा ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने सलार में देखा था या हमने केजीएफ के दोनों पार्ट्स के अंदर देखा था, तो काफी मजेदार, काफी बेहतरीन और काफी खूबसूरत विजुअल्स हमें देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर दें, अगर इससे हौसला बढ़ता रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।